हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ अचीवर्स टेस्ट पेपर सीरीज फॉर जे एडवांस्ड एस्पिरेंट्स। तो लास्ट रन पे हमने पाँच बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे थे एंड इट्स वेरी ग्रेट इट्स वेरी ग्लैड टू नो दैट आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए एक बार क्विक अगेन रिकैप जो लोग नए हैं उनके लिए कि हम इस सीरीज में क्या करने वाले हैं सो इट्स दी अचीवर्स टेस्ट पेपर सीरीज एज यू नो

Okay, then uh, uh, myself, I have fifteen years of coaching experience for uh, IITJ -E mains and advance. Okay, or all India rank five or seventy-two I -E, iit IITJEE under my mentorship, and uh, I have a network of over five thousand students now in India and abroad. Uh, so, guys, if you like share, uh, if if you like the content of uh, the channel, please like, share, and subscribe to the channel for uh, more updates and click the notification icon. Okay. चलो लेट्स गेट स्टार्ट एट ओके सो एटीपी टीपी टू का फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आओ जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड देन सी द सॉल्यूशन ओके सो व्हाट डू वी हैव इन दिस लेट्स सी टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट फाइव कॉमन जीरो टू द एलिप्स ओके यू कैन सी दैट दिस एलिप्स इज अ स्टैंडर्ड एलिप्स ठीक है मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पे ठीक है टू इंटरसेक्ट इट्स माइनर एक्सेस मतलब माइनर एक्सिस मतलब क्या हो गया है पे सो दैट इज द क्वेश्चन तो चालू हो जाते हैं सबसे पहली बात जो एलिप्स रखा है उसने वो दिया है एक्स स्क्ट प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर इक्वल्स टू वन सो इट्स दिलिप्स गिविंग सो क्लियरली इसका जो ए है वो थ्री हुआ और इसका जो बी हुआ वो टू हुआ ठीक है तो अगर मैं इस एलिप्स को बना के देखू एक बार तो ये एलिप्स कुछ इस तरीके का एलिप्स है ठीक है और फाइव कॉमा जीरो जो उसने पॉइंट दिया है वो ये तो थ्री हो गया राइट मेजर एक्सेस और फाइव यहां पर कहीं आएगा ठीक है तो ये वाला पॉइंट फाइव कॉमा जीरो हो गया तो इससे हमें दो टेंजेंट्स बनानी राइट सो टेंजेंट्स फ्रॉम कुछ ऐसी ऐसी बनेगी, एक टेंजेंट और बन गई दूसरी टेंजेंट ठीक है सो ये हमारी दो टेंजेंट्स हो गई नाउ दीस टू टेंजेंट्स आर बेसिकली मीटिंग अब ये पॉइंट माइनर एक्सिस का पॉइंट लग रहा है लेकिन वो है नहीं ठीक है ना तो तो ठीक है रफ डायग्राम है तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया पी और ये वाला पॉइंट क्या हो गया क्यू ठीक है? है तो अगर आप यहाँ पे देखो इफ आई कैन शो इट हियर ये पी हो गया ये क्यू हो गया अब इस पी क्यू को लेटेस्ट रेक्टम मान के अगर कोई पैराबोला मैं खींचूंगा तो क्लियरली ये पी क्यू लेटेस्ट मेरी वर्टिकल है इसका मतलब मेरा जो पैराबोला होगा

इस इक्वेशन नंबर वन में तो इसको उठा के मेरे को यहाँ प्लग इन करना है टू गेट द इक्वेशन ऑफ माइ टेंजेंट्स राइट सो वाई वर माई मैं अब इसमें जब प्लग इन करूंगा तो यू कैन सी दैट यहाँ पे भी प्लस माइनस है ठीक है तो अब प्लस लेना है कि माइनस विल डिपेंड ऑन की कौन सी इक्वेशन फाइव जीरो को सेटिस्फाई करती है ठीक है उसी हिसाब से हम प्लस माइनस लेंगे सो लेट्स लेट्स प्लग इन द वैल्यू फर्स्ट सो इफ आई प्लग इन द वैल्यू ऑफ एम हियर आई गेट इज इक्वल टू अगर मैं प्लस हाफ रखू पहले ठीक है तो प्लस हाफ रखने पे मेरे पास आता है एक्स बाय टू प्लस माइनस अच्छा रूट के अंदर क्या आ रहा है तो रूट के अंदर क्या आ रहा है नाइन बाय फोर प्लस फोर ये ठीक है राइट इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो एक्स बाय टू प्लस माइनस ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव बाई फोर यानी फाइव बाई टू ठीक है

राइट right. अच्छा इससे मेरे पास आता है टू वाय बराबर माइनस एक्स प्लस प्लस माइनस फाइव इज दैट ओके अब अगेन इसमें से मैं वही चूज करूंगा जो फाइव जीरो को सेटिस्फाई करेगा तो इस समय प्लस सेटिस्फाई करेगा माइनस नहीं करेगा तो इसीलिए मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी टू वाईक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव इज दैट ओके सो आई होप दिस इज क्लियर कि आपके पास दोनों टेंजेंट्स आ गए ठीक है अब जब दोनों टेंजेंट्स आ चुकी हैं तो भाई लिख लेते हैं कौन सी टेंजेंट कौन सी होगी तो ये वाली जो टेंजेंट है इसका स्लोप पॉजिटिव है ठीक है तो डेफिनेटली ये वाली नीचे वाली टेंजेंट है तो इस टेंजेंट की इक्वेशन टू वाईक्वल टू एक्स माइनस तो फाइव हो गई तो ऑब्वियसली इस वाली की इक्वेशन टू वाईक्वल टू माइनस एक्स प्लस तो फाइव हो गई क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है तो आ गई मेरे पास दोनों टेंजेंट्स जब दोनों टेंजेंट्स आ गई तो उनमें जब मैं एक्स को जीरो रखूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा क्योंकि मेरे को इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस चाहिए तो वाई एक्सिस पे एक्स कितना होता है जीरो तो एक्स को जीरो रख दिया ठीक है एक्स को जीरो यहां रखोगे तो वाई कितना आएगा फाइव बाई टू सो वट इज दिस पॉइंट पी इट इज जीरो

वो फोकस मेरा डेफिनेटली जीरो होगा क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट है इज दैट 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 ओके सो क्लियरली माय फोकस द फोकस ऑफ माय पैराबोला इज राइट नाउ लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ द टू पैराबोलास दैट वी कैन ड्रॉ ठीक है सो लेट मी ड्रॉ द फर्स्ट पैराबोला तो ये तो मेरा डेफिनेटली क्या हो गया भाई एक्सिस अब अगर मैं अपना पहला पैराबोला ओपनिंग राइट बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा ठीक है ये मेरा पहला पैराबोला बनेगा ओपनिंग राइट राइट सो लेट मी फर्स्ट राइट दिस पैराबोला सो इन ऑर्डर टू राइट दिस पैराबोला आई नीड टू गेट दिस वर्टेक्स राइट मुझे ये वर्टेक्स चाहिए ना ये वर्टेक्स डेफिनेटली मेरे को पता है ये डिस्टेंस ए होती है राइट right? जहां पे लेटेस्ट एक्टम फोर ए होता है तो यहाँ पे मुझे ये तो पता ही है कि मेरा जो लेटेस्ट एक्टम है फोर वो डेफिनेटली फाइव है फाइव बाई टू प्लस फाइव बाई टू तो वट इज माई लेटेस्ट एक्टम इट इज फाइव एंड दैट मीन्स वट इज द वैल्यू ऑफ ए दैट आई गेट इट इज फाइव बाई तो फिर ये मुझे पता है कि ये डिस्टेंस फाइव बाई फोर है अब अगर ये डिस्टेंस फोर है तो समझो ये डिस्टेंस फोर जो है वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो माइनस फाइव बाई फोर कौन जीरो मतलब आपको क्या मिल गया इस पैराबोला uh, का वर्टेक्स ठीक है और वर्टेक्स मिलते ही तुम्हें पता है इक्वेशन ये लिखनी है तो क्या होगी इक्वेशन देयर फोर पैराबोला इज सो नाउ आई एम राइटिंग द पैराबोला दैट आई वॉन्ट

ठीक है तो ये इनका मिड पॉइंट हो गया भाई विच इज दस माई साफ नजर आ रहा है कि जो वर्टेक्स है वो अगेन फाइव बाय फोर डिस्टेंस पे होगा ठीक है तो ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा अब इस बार वो राइट right साइड में है तो फाइव बाई फोर कौमा जीरो हो जाएगा राइट सो योर पैराबोला वुड बी वाई इक्वल टू

ठीक है अब अगर मैं इन दोनों पैराबोलास की एक ही इक्वेशन बना लू जैसा कि उसने दे रखा है एक ही इक्वेशन तो कैन वी फाइनली राइट लाइक दिस प्लस माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी जो दे रखी है तो इस के को आप इधर ले आओ तो ये एल अपॉन के हो गया राइट right? तो आपके लिए एल अपॉन के कौन हुआ ट्वेंटी फाइव बाई फोर और एल और के कैसे कैसे नंबर है कोप्राइम्स तो ये ऑब्वियसली कोप्राइम्स ही ये

मल्टीपल करेक्ट में ठीक है जिसमें अलग अलग बातें पूछ रहा था इसके लिए समझ आ गई ठीक है ओके सो आर वेरियस थिंग्स टू बी डन इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट देर आर टू मेनी थिंग्स टू बी डन ठीक है क्लियर हो गया मेक अ नोट ऑफ इट लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर टू इन फ्रंट ऑफ यू नाउ लिमिट का क्वेश्चन आ गया लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ध्यान से समझो लेट एफेक्ट बी अ पॉजिटिव रियल वैल्यू डिफरेंशियबल फंक्शन ठीक है

प्लस उसने एफ ऑफ वन टू दे रखा है उसको तो बाद में यूज करेंगे हमें निकालना एफ स्क्वायर ऑफ टू तो ये पढ़ते ही सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर एफ वन दे रखा है और एफ स्क्वायर निकालना है एफ स्क्र ऑफ टू निकालना है इसका मतलब क्या होगा कि मेरे को फंक्शन निकालना पड़ेगा तो ये क्लियर है कि मेरे को एफ एक्स निकालना है ठीक है और एफ एक्स निकालने के लिए उसने मेरे को खाली ये लिमिट दे रखी है सो डेफिनेटली आई टू यूज दिस लिमिट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एफ एक्स सो लेट्स प्रोसीड विद द लिमिट नाउ लेट्स प्रोसीड विद दिस लिमिट सो इफ आई प्रोसीड विद दिस लिमिट सबसे पहले हम क्या करते हैं लिमिट में एक्स को ए रखते हैं अगर हम एक्स को ए रखेंगे तो ए एफ स्क्वायर ए माइनस ए एफ स्क्वायर ए अपॉन ए क्यूब माइनस ए क्यूब दैट मीनस फॉर्म आई एम गेटिंग आई एम गटिंग जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है और जीरो बाई जीरो फॉर्म में तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली क्या आता है एल एच रूल आता है एल हॉस्पिटल रूल तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये आएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए ठीक है नाउ अच्छा रिमेंबर वन थिंग इसमें वेरिएबल कौन है वेरिएबल एक्स है ओके okay? क्योंकि आप लिमिट एक्स पे लगा रहे हो तो आपके लिए वेरिएबल एक्स हुआ ए आपके लिए कॉन्स्टेंट हुआ तो डिफरेंशियट किसके रेस्पेक्ट में करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में ट्रीटिंग ए एज कॉन्स्टेंट ठीक है ए तो कॉन्स्टेंट तो है और एफ स्क्वायर में पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो वो टू इन एफ एक्स होगा तो ए इंटू टू एफ एक्स हो गया फिर एफ एक्स का करेंगे अंदर वाले तो एफ डैश एक्स आएगा ये ठीक है पहले एफ स्क्वायर का टू एफ फिर एफ का एफ डैश चेन रूल हो गया ऊपर वाले का डेरिवेटिव खत्म नीचे ए क्यूब का डेरिवेटिव तो जीरो क्योंकि माइनस एक्स क्यूब का क्या होगा माइनस थ्री एक्स लिमिट मेरे को दे कितनी रखी है one. ये लिमिट मेरे को one दे रखी दिस इज एल हॉस्पिटल रूल सजेस्ट क्लियर अब आपको वापस से एक्स को क्या रख के देखना है ए अब जब तुम एक्स को ए रखोगे तो नीचे नॉन जीरो आ गया क्योंकि ए पॉजिटिव दे रखा है तो ए जीरो नहीं हो सकता इसका मतलब नीचे नॉन जीरो आ गया और नीचे नॉन जीरो आते ही लिमिट डेफिनेटली फाइनाइट आएगी ठीक है तो अब मेरे को एल नहीं दो क्या ठीक है डिवाइडेड बाय माइनस थ्री ए दैट ओके मतलब एक्स को ए रखने पे अब ये आया मेरे पास ठीक है अब लिमिट तो खत्म हो गई लिमिट का काम खत्म है ट्राई टू रीअरेंज इट लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दिस तो ये आता है एफ स्क्र ए और माइनस टू ए एफ ए इंटू एफ डैश ए इज इक्वल टू माइनस थ्री ए है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए यहां तक ठीक है ओल राइट right. अच्छा इससे मेरे पास ये आ गया दैट एफ स्क्वायर ए माइनस टू ए एफ एफ डैश ए 3A सारे एक तरफ लिया है मैं। अब याद रखो तुम्हें, निकालना क्या था? तुम्हें तो F निकालना, मतलब Fx निकालना है तो Fx या एफ ए निकालने उससे क्या फर्क पड़ता है मैटर राइट एफ एक्स जैसे ये इक्वेशन ए में है इसमें ए की जगह एक्स रख दो एक्स तो में हो जाएगी तो बेसिकली तुम्हारे लिए एफ एक्स वाली इक्वेशन आ चुकी है अब तुम्हें इसको सॉल्व करके एफ एक्स निकालना है या एफ ए निकालना है ठीक है लेकिन अब प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है इसमें इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको लिमिट सॉल्व करनी थी लिमिट सॉल्व करके आपके पास क्या बनी डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके जो फंक्शन आएगा वो तुम्हें अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो इस टर्म को अगर आप सब्सिट्यूट करो तो ये ये और ये उसका डेरिवेटिव सेट हो जाएंगे ये उसके डेरिवेटिव में सेट हो जाएंगे इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं राइट right? तो मेरे पास क्या है इन टू एफ डैश ऑफ शुड बी टू डी टी बाई डी एन यू अंडरस्टैंड ए के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशियट किया राइट सो एल को ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियट किया टू इंटू एफ एंटू एफ आ रहा है टी so और इस पूरे को क्या लिखना था मेरे को डी टी बाई डी ए तो देखो जरा क्या इक्वेशन बनी t ठीक है माइनस एक a बचा हुआ है वाला right? a बचा हुआ है इंटू डी बाई डी ए और प्लस थ्री ए स्क्वायर जो बचा हुआ है वो है, okay है? Now, equation, अब t की पावर वन है और dt की पावर भी वन है इसका मतलब नाउ इट इज लीनियर इन t नाउ इट इज लीनियर इन t तो अब मैं इसको लीनियर फॉर्म से इंटीग्रेट कर सकता हूं सो लेट्स ट्राई टू री इट लीनियर का फॉर्म याद है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाईक्वल टू क्यू राइट तो यहां पे dt टी बाई तो dt टी बाई वाला टर्म ये रहा इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट मेरे को वन चाहिए तो मैं माइनस ए से डिवाइड करूंगा राइट सो लेट मी डिवाइड दिस डिवाइडन बाई माइनस ऑफ ए ना क्योंकि उसका मेरे को वन चाहिए इसका राइट तो डी टी बाई डी ए फिर माइन फिर साथ में क्या होता था पी वाई तो ये वाला टर्म चाहिए टी वाला तो माइनस वन अपॉन ए हो जाएगा इन क्योंकि हमने माइनस से डिवाइड किया राइट इज इक्वल टू इस टर्म को उधर भेज देंगे इस टर्म को जब उधर भेजेंगे तो ये माइनस थ्री ए होगा और उसको हमने डिवाइड किससे किया है a से गेटिंग दिस ठीक है क्या मैंने माइनस ए से डिवाइड कर दिया ये हो गया सेक्ट. क्यों कर दिया अरेटिंग टू थ्री ए इतना आ गया खत्म काम नाउ कैन यू सी दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कैसे करते हैं आपको आता है क्या करते हैं भाई सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई e की पार इंटीग्रल पी डी एक्स यहाँ पे पी का, का काम कौन कर रहा है माइनस वन बाई ए पूरा ये काम कर रहा है पी का ठीक है तो इंटीग्रेशन में आएगा माइनस वन बाई ए डी ए क्योंकि यहां पे एक्स की जगह ए है राइट नाउ यू कैन सी दैट इट इज ई की पार इंटीग्रल डी बाई ए इंटीग्रेशन आता है ना कितना होता है एल ए ने डीए होता है राइट right? अच्छा e की पावर में माइनस एल एन ए का मतलब क्या होता है भाई e तो, तो ये ऐसे लिख सकते हैं और e की पावर में एल एन जैसे ही आएगा तो जो इनपुट है वही आंसर आएगा इसका यहाँ पे इनवर्स मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया वन अपॉन ए वन अपॉन ए मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया इज दैट ओके राइट ई की पावर में कुछ भी आएगा तो क्यों आएगा वो क्लियर है ना आई होप दैट इज क्लियर राइट सो इफ आई कैन जस्ट शो इट टू यू हेयर e की पावर में एल एन ऑफ एक्स इसका मतलब क्या हो गया बेटा e की पावर में log ऑफ x की बेस e तो देखो e और e सेम हो गए तो ये एक log का रूल होता है ना x रिजल्ट आता है ठीक है सो वीव गॉट ए इनवर्स अब तो सोल्यूशन लिखना है सो देअर फोर सोल्यूशन इज सोलूशन याद करो क्या होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता था

ये उसने बोल रखा था ठीक है तो मैं यहाँ पे ए को वन रख देता हूँ एफ ऑफ वन लाने के लिए ए को वन रख देता हूँ so, अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ए लिखना है सो so, टू का स्क्वायर टू का स्क्वायर इज फोर इज इक्वल टू थ्री प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई वन राइट सो इससे सी बराबर वन आ गया कि नहीं आ गया सी बराबर वन आ गया और सी बराबर वन आ गया तो अब अगर उसमें प्लग इन कर दो तो एफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया भाई ए मल्टीप्लाइड स्क्वायर ए जो हमसे मांगा था हमारे पास आ गया फंक्शन अब उसने मेरे से पूछा एफ स्क्वायर ऑफ टू कितना होगा भैया तो अब ए को टू डाल दो यहाँ पे ठीक है ए को टू डालोगे तो एफ स्क्वायर ऑफ टू आ जाएगा तुम्हारे पास कितना आ जाएगा टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्स प्लस वन सो सेवन इंटू टू इज फोर्टीन वट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन

चलो अब अब देखते हैं किस तरीके से और कौन सा फॉर्मूला लगा के हम स्टार्ट करें ये ही सबसे बड़ी बात है कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है है अनगिनत मेन बात यह कि उस समय दिमाग में तुम्हारे सही आ आ जाता जाता है है कि नहीं ठीक आर यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन सो टेन एक्स बाई टू प्लस टेन जेड बाई टू अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे पास टेन एक्स बाय टू का फॉर्मुला है ना भाई हाफ एंगल फॉर्मुला एसओटी में पढ़ रखा है तुमने जो कि एस और uh, डेल्टा uh, से रिलेटेड है याद आया नहीं आया एक 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 फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा है जस्ट गिव यू दैट फॉर्मूला टेन ऑफ लेट मी राइट इन टर्म्स ऑफ ए ए के टर्म्स में याद कर रखा होगा तो मैं ए के टर्म्स में लिख रहा हूं टेन ए बाई टू का फॉर्मूला याद करो क्या था एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस एस माइनस ए याद आया ये तुम्हारा टेन ए बायू का फॉर्मूला होता था कि नहीं होता था ठीक है एसओ टी थोड़ा सा दिमाग डालू जोर डालो ओके okay, अब इस वाले फॉर्मले को क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसको मैंने ऊपर नीचे एस एस माइनस ए से मल्टीप्लाई किया किससे मल्टीप्लाई किया एस एस माइनस ए से एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ठीक है डिवाइडेड बाय एस एस माइनस ए का होल स्क्वायर ठीक है ना भाई ऊपर ऊपर मैंने ऊपर और नीचे अंदर एस एस माइनस ए से मल्टीप्लाई किया अब ये ऊपर वाला तो डेल्टा बन गया और नीचे वाला एस एस माइनस ए बन गया रूट हट गया राइट सो यू कैन राइट ए बाई टू लाइक दिस सो दिस इज द दैट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट सो इफ आई ट्राई टू यूज दिसमुलास बाई टू है तो टेन एक्स बाई टू की जगह मैं यहीं पर ही लिख रहा हूँ टेन एक्स बाई टू की जगह अपॉन एस एस माइनस एक्स ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे एबीसी की जगह एक्स वाई जेड है तो सिमिलरली टेन बाई टू को एस एस माइनस जेड लिख सकते हैं is equal to y by S. यहां तक ठीक है क्या ठीक है अब तुम्हें समझ में आया इससे क्या फायदा हुआ इससे फायदा हुआ कि एक तो ये एस एस और एक ये एस के तो ही हो गए ठीक है और अब अगर मैं यहां पे डेल्टा को कॉमन ले लू तो मेरे पास क्या बचा मेरे पास बचा वन अपॉन एस माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एस माइनस जेड इज इक्वल टू वाई इज द फर्दर एल सी एम तो ऊपर क्या आता है मेरे पास एस माइनस जेड प्लस एस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड इज इक्वल टू वाईट ओके ठीक है आगे बढ़े अब जरा इसको देखो ध्यान से एस प्लस एस टू एस टू एस कितना होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और उसमें से एक्स और जेड माइनस कर रहा है टू एस में से एक्स और जेड माइनस कर रहा है तो वाई बचेगा कि नहीं 2x में से x और z माइनस कर रहा है तो y बचेगा कि नहीं डिवाइडेड बाय s x x z वो तो एज इट इज है ठीक है इज इक्वल टू कितना था y तो अब ये y से y भी कैंसिल हो गया इज दैट ओके तो इसका मतलब मेरे पास अल्टीमेटली डेल्टा इज इक्वल टू तो कितना आया s x into s z ये आ गया डेल्टा डेल्टा ये आ गया कि नहीं आ गया ठीक है भाई अब तुम वापस से इस फॉर्मूले पे फिर से आओ इसी फॉर्मूले को अभी अभी मैंने ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई किया था एस एस माइनस ए अगर मैं ऊपर नीचे एस माइनस बी एस माइनस सी मल्टीप्लाई कर देता वो तो मेरी मर्जी ना कुछ भी मल्टीप्लाई कर अब मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया तो अब जरा ध्यान से देखो कि अब नीचे ये हो गया अगेन यू टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी बे हो गया अब आप ध्यान से देखो कि अब आपके पास ऊपर तो बन गया एस माइनस बी एस माइनस सी रूट हट गया और नीचे डेल्टा बन गया मतलब इसी फॉर्मूले को हम इसकी जगह ये भी लिख सकते थे ठीक है मतलब अगर आप एंगल ए यहाँ पे प्लग इन कर रहे हो तो यहाँ पे बी और सी लिख रहे हो तो अगर तुम यहाँ पे एंगल एक्स प्लग इन करोगे तो यहाँ वाई और जेड लिखोगे कि लिखोगे हैव अ लुक एट दिस नाउ कैन यू सी समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट अगर मैं इस डेल्टा को इधर ले जाऊं तो मेरे पास आ रहा है एस माइनस एक्स एस माइनस जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा इक्वल टू वन ऐसा है अब एस माइनस एक्स एस माइनस जेड बाई डेल्टा ध्यान से देखो कैन यू फाइंड अ कोरिलेशन बिटवीन दीज टू डेफिनेटली यू कैन साफ दिख रहा है कि जो दो यहां पर लिखते हैं उसके ऑपोजिट उसका तीसरा वाला जो है वा एंगल यहाँ लिखना है इसका एक्सर जेड अगर यहां है तो ये टेन ऑफ वाई बाई टू होगा तो टेन ऑफ वाई बाई टू कितना हो गया भैया तो फिर वाई बाय टू कितना हो गया फाय बाय फोर और वाई बाय टू पाई बाय फोर है तो वाई कितना है पाई बाय टू दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बहुत बढ़िया मतलब उस बंदे ने अपने को जो ट्राइंगल दिया है वो राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल वाई 90 डिग्री है इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कुछ ऐसा ट्राइंगल बना ये वाई जेड, ये ये तो सबसे पहली बात इज ऑप्शन ए करेक्ट नो इज ऑप्शन बी करेक्ट यस क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल वर्टेक्स, बाकी दोनों एंगल के बराबर होगा तो बी तो करेक्ट हो गया अच्छा बी करेक्ट हो गया तो डी करेक्ट होगा क्या भाई तो डी करेक्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो तो पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है राइट सो दिस साइड इज वाई साइड इज दिस साइड इज एक्स गेट एक्स स्क्सर इक्वल टू वाई स्क्सक्स का प्रोडक्ट जीरो तो हो नहीं सकता तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया भाई क्योंकि एल एच एस जीरो आर एच एस जीरो नहीं है तो डी ऑप्शन भी गया ठीक है अब इतना अगर तुमने कर भी लिया और समय मान लो नहीं बचा तो फिर सी लगा दो भाई ठीक है वन और मोर करेक्ट है एक सही आ चुका है तो ठीक है भगवान का नाम लेके हमने बोला सी सही हो जाएगा अगर टाइम नहीं बचा तो बाकी दो सी इज वेरी इजिल सोल्वेबल एज वेल समझ में आई बात यहां तक तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अब आप जैसे सी ऑप्शन चेक करना है तो टेन एक्स बाय टू लाना है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं टेन एक्स बाय टू तो मैंने लिखा ही है यहाँ पे फॉर्म ठीक है ना भाई तो या फिर एक काम करो ना तुम्हें तो अभी ऑप्शन ही चेक करना है सो लेट्स चेक इज इक्वल टू और नॉट लेट्स जस्ट चेक चेक दैट मच तो इसका मतलब अगर मैं एल की बात करूं तो वो तो टेन एक्स बाई टू है और आर की बात करूं तो वो है एक्स अपॉन वाई प्लस ठीक है यही है अब मैं आर को एल के बराबर लाने की कोशिश करूंगा तो एक्स की जगह अब देखो यहाँ पे साइड है और यहाँ पे एंगल्स हैं तो साइड्स को एंगल्स में कौन बदलता है साइन लॉ तो एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं साइन एक्स क्योंकि ऊपर नीचे डिग्री सेम है वाई की जगह हम ये लिख सकते हैं साइन वाई और Z की जगह हम लिख सकते हैं साइन z आर यू ठीक है तो ऊपर तो मैंने क्या लिख लिया X, नीचे नीचे मैंने क्या लिख लिया Y ऊपर डिग्री सेम है तो साइन लॉ लगा दिया ये ठीक है राइट अच्छा अब उसके बाद में ये चीज देखो कि ऊपर मैंने लगाया आ, डबल एंगल फॉर्मूला, तो ऊपर मैं ये लिख सकता हूं टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू क्यों लगाया क्योंकि नीचे में साइन सी प्लस साइनडी लगाऊंगा तो वो भी हाफ एंगल में बदल जाएगा तो जब नीचे हाफ एंगल में बदलेगा तो ऊपर भी हाफ में चाहिए ताकि कटे ये लिख सकते हैं साइन सी प्लस साइनडी और ऊपर डबल एंगल फॉर्मूला ये टू से टू Now, that, 2 2. ये टू कैंसिल राइट नाउ रिमेंबर दैट वॉट इज साइन वाई प्लस जेड बाई टू इन ट्राइंगल इट इज कॉस एक्स बाय टू ये कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं कि नहीं चलते ठीक है तो इसलिए ये साइन वाई प्लस जेड बाई टू ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे के साथ कैंसिल हो गया so what are you left with now you are left with sin x by 2 divided by cos y minus z by 2 is this okay this is what we are left with ठीक है ना और अब जरा हल्का सा और सोच लो तो हो गया सॉल्व तुम्हें ऑलरेडी पता है व्हाट इज़ y minus z सी यू ऑलरेडी टेक दिस ऑप्शन राइट सो यू नो दैट y minus z इज़ x यू ऑलरेडी नो दैट y minus z इज़ x

कर रखे होते हैं लेकिन उस समय दिमाग में सही फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए ठीक है सो so, ये सारा गेम जो है वो कौन बना रहा था tan x बाई टू का फॉर्मूला बना रहा था जिसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं बस क्लियर है ऑल राइट मेक अ नोट ऑफ इट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर अगेन जी एडवांस ट्वेंटी ट्वेंटी का क्वेश्चन है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखो कॉन्सेप्चुअल ध्यान से पढ़ो क्या बोलता है

तो हेड्स कितनी बार आ सकता है तो भाई हेड्स जीरो बार भी आ सकता है एक बार भी आ सकता है दो बार भी आ सकता है सो दैट मीन देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर एल्फा राइट सो इफ आई टॉक अबाउट एल्फा एल्फा कैन टेक द वैल्यू जीरो सिमिलरली इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटलीफकोर्स दोनों बार हमने जो कॉइन टॉस किया वो इंडिपेंडेंट है सपोज बीटा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपियर इज तो सेम बात बीटा के लिए भी अप्लाई होती है बीटा भी जीरो वन या टू ही हो सकता है मतलब अल्फा ये वैल्यूज ले सकता है बीटा ये वैल्यूज ले सकता है दीज आर दी ओनली एडमिसेबल वैल्यूज फॉर अल्फा एंड बीटा ठीक है अब वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x2 अल्फा द्वारिक पॉलिनोम तीसरा पार्ट चालू हुआ क्वेश्चन का अब बोलता है x2 अल्फा x बीटा बराबर जीरो कर देता हूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई उसके रूट्स कैसे होने चाहिए रियल एंड इक्वल रूट रूट्स कैसे होने चाहिए रियल एंड इक्वल तो अब तुम्हें याद आ गया भाई रियल एंड इक्वल कब होते हैं रूट्स

बिकॉज वैल्यूज बीटा की जीरो वन टू है मतलब बीटा की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है मतलब ये वाला जो केस है ये केस ही खत्म हो गया ये केस पॉसिबल ही नहीं है तो आप इस केस को जो है वो उड़ा दो ठीक है दूसरा जब मैं अल्फा को टू रखूंगा तो ये फोर हो गया और इसको फोर अगर बनाना है तो बीटा सिर्फ वन हो सकता है ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बीटा इज बस खत्म हो गया अल्फा की तो तीन ही वैल्यूज हो सकती थी इसका मतलब बीटा कभी भी टू तो ले ही नहीं सकता तो ठीक है भाई दो ऑर्डर है या तो अल्फा बीटा दोनों जीरो जीरो होंगे या फिर अल्फा टू और बीटा वन होगा तो करेस्पोंडिंग टू राइट द प्रोबेबिलिटी समझे बात को अगेन सी हाउ ब्यूटिफुलज मूव द्वेश्चन स्टार्टिंग स्टार्टेड विदेबिलिटी टर्म्स देन ही मूव ऑन टू समाइप ऑफ थिंग देन ही मूव ऑन टू क्वाडोटिक एंड नाउ हीज अगेन मूविंग ऑन टू प्रोबेबिलिटी क्योंकि आपके पास केसेज बन चुके हैं आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी तो अब आपको प्रोबेबिलिटी जो लिखनी है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए लिखनी है मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा प्रोबेबिलिटी का ठीक है तो अब जरा देखो अब मैं अल्फा बीटा जब मेरा जीरो जीरो प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे ठीक है तो जब एल्फा बीटा मेरा जीरो जीरो थिंक ऑफ इट सो विल बी द प्रोबेबिलिटी अच्छा सबसे पहली बात एल्फा जीरो मतलब ये किसकी बात हो रही है सीवन की ठीक है क्योंकि सीवन को जब हम थ्रो कर रहे थे तो अल्फा वॉज द नंबर ऑफ हेड्स तो अल्फा के लिए तो C1 काम आने वाला है और बीटा के लिए C2 काम आने वाला है ठीक है ये ध्यान रखना और राइट right. तो आपने C1 को कितनी बार फेंका दो बार राइट right? और और आपको जीरो हेड चाहिए जीरो हेड चाहिए मतलब दोनों बार टेल आना चाहिए ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया कि C1 पे बोथ टेल्स दो बार फेंक रहा हूं दोनों क्या आने चाहिए टेल्स आने चाहिए ठीक है और c2 को भी दो बार फेंक रहा हूं दोनों बार क्या आने चाहिए टेल्स आने चाहिए तो इसी की तो प्रोबेबिलिटी लिखनी है ये तो लिख लेंगे आराम से कहां दिक्कत है ठीक है तो भाई देखो हाँ। हमने c1 को दो बार फेंका दोनों बार टेल्स आना चाहिए c1 में टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 तो दो बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 का स्क्वायर ठीक है

C1 को डिनोट कर रहा है बीटा C2 को डिनोट कर रहा है मतलब समझो जब तुमने अल्फा मतलब C1 को दो बार फेंका ठीक है तो तुम्हारे पास दोनों बार हेड आना चाहिए सो बोथ हेड्स तो तो C1 में तो मेरे को दोनों हेड्स चाहिए राइट right? और जब मैंने C2 को फेंका तो मेरे पास एक टेल आना चाहिए मतलब वन हेड एंड वन टेल वन हेड वन टेल यही बात हुई कि नहीं इसकी प्रॉबिलिटी लिखनी तो लिख लेते हैं दोनों हेड आने की क्या प्रॉब्लिटी भाई सी वन हेड आने की प्रॉब्लिटी टू बाई थ्री है तो दोनों हेड आने की क्या हुई प्रॉब्लिटी का स्क्वायर काम खत्म नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई अब जब मैं सी टू फेंकूंगा तो सी टू को मैं दो बार फेंक रहा हूं उसमें से एक बार हेड और एक बार टेल आना चाहिए तो दो में से अगर एक बार हेड आ रहा है तो वो दो में से किसी भी एक बार आ सकता है सो फॉर देट वीन टू अप्लाई एनसीआर सो दो में से किसी भी एक बार हेड आ गया हेड आने की प्रॉब्लिटी क्या है सी टू पे वन बाय थ्री तो भाई एक बार तो हेड आ गया

अब आपसे उसने पूछा भी दोनों चीजें मतलब उसने तो ये पूछा ना भाई कि रूट्स रियल एंड इक्वल कब होंगे तो ये तो दोनों ही केस में होंगे तो इन दोनों को अब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है सो इंडिपेंडेंट केसेस को हम ऐड कर लेते हैं व्हेन यू ऐड दीस टू व्हाट इज योर फाइनल आंसर व्हाट इज योर फाइनल प्रोबेबिलिटी इट इज फोर बाई एटी वन प्लस इज ऑप्शन इज दैट ऑप्शन बी सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक एंड प्रोबेबिलिटीज पे बेस्ड अगेन वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन इट ओके लेट्स मूव ऑन राइट क्वेश्चन नंबर फाइव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दैट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ थ्री डी ठीक है क्या बोलता है जरा देख लो

ये क्या होता था मेरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मतलब मेरी लाइन इस डायरेक्शन में चल रही ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी l1 लाइन है उसका डायरेक्शन तो का डायरेक्शन वेक्टर हो गया तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई उसको मैंने ये लिख लिया कॉस्थीटा प्लस रूट थ्री ठीक है ये तो I हुआ. फिर कॉस्थीटा माइनस रूट थ्री ये J हुआ और फिर cos ठीक है तो ये मेरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर हो गया एलवन का फिर मैं सिमिलरली अगर एल टू का डायरेक्शन वेक्टर लिखूं तो इसके साथ देखो ये पैरामीटर है और ये इसके आईजे के हैं तो यहाँ पे क्या हो गया एल टू के लिए ए बी और सी हो गया ये ठीक है तो सबसे पहले आपने अपनी लाइन्स के क्या लिख लिया डायरेक्शन वैक्टर्स क्लियर है अब आगे पढ़ो क्या बोलता है वेयर एंड स्केलर्स दैट्स ओके अल्फा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन एलवन एंड टू मतलब हमें एलवन एल टू के बीच का क्या चाहिए एंगल चाहिए तो ये तो आसान सी बात ठीक है बट आगे क्या बोलता है अब सारा जो है इस क्वेश्चन में वो यहां है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा क्या है ये है कि भाई वैसे तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल लाना है ठीक है तो वो तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट आ जाता है ओके यू नो दैट वॉट इज द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स देंगल टू वैक्टर्स थीटा विच इज इक्वल टू वॉट विच इज इक्वल टू ए डॉट बी अपन मॉडे मॉट बी सो दिस इज नोन टू एवरीबॉडी राइट दैट दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो यहां पे भी तो ये पूछ रहा है दोनों लाइंस के बीच में एंगल मतलब दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच में एंगल तो so, करना तो यही है डेफिनेटली 100% यही करना है ठीक है तो अगर मैं इस फॉर्मुले को इस क्वेश्चन में ट्रांसलेट करूं तो एंगल बिटवीन देम इज अल्फा ठीक है द डायरेक्शन वेक्टर 1 इज d1 द डायरेक्शन वेक्टर 2 इज d2 अपॉन मॉड ऑफ d1 वन मॉड ऑफ d2 तो so, मैं डेफिनेटली यही लगाने वाला हूं कोई नई चीज नहीं लगाने वाला लेकिन

कि क्या आएगा? Let's try to do it now. तो लेट मी प्लग इन हियर सो आई प्लग इन दैल्यूजर टू नॉट डी वन डॉट डी टू इन दोनों का क्या लेना है तो 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 वो तो पता है. है? इसका 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 इससे 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 होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा. तो क्या आ जाएगा? A times of cos ठीक फिर uh, b टाइम्स ऑफ √2 sin साइन थीटा ओके और c टाइम्स ऑफ कॉस्टा माइनस 3. ये तो ऊपर हो गया डॉट प्रोडक्ट ये ठीक है नीचे क्या लिखना है मॉट डी वन मॉट डीवन मतलब इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ठीक है अब याद करो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बताओ तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर का रूट राइट तो वही काम यहां पे लिखना है हमें ओके सो लेट मी लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट हियर फर्स्ट ठीक है फिर उसको वापस वहां पे लिखेंगे तो मैं मॉड ऑफ d1 यहां पे लिख रहा हूं पहले तो मॉड ऑफ डी वन मेरा आएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर ठीक है तो कॉस थीटा प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस रूट टू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर इज दैट ओके ठीक है भाई क्लियर अब जरा खोलो इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर खोल देते हैं क्या आएगा कॉस थीटा प्लस थ्री प्लस टू रूट थीटा ये तो ठीक है, फिर इसको खोल दो तो टू साइन स्क्वायर थीटा ठीक है फिर इसको खोल दो तो तो ये ये आएगा ठीक है ना, अब देखो ये थीटा uh, सॉरी ये और ये ये दोनों तो कैंसिल हो गए ठीक है फिर ये जो कॉस्क्वायर थीटा प्लस कॉस्क्वायर थीटा ये हो गया टू है, और ये टू साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों में मैंने टू कॉमन ले लिया तो टू कॉस्टा प्लस टू साइन थीटा में तो कॉमन फिर ये जो है और ये जो थ्री है थी प्लस थी कितना हो गया राइट नाउ इज तो उसमें थीटा वैसे ही खत्म हो जाएगा ठीक है तो बहुत बढ़िया काम हो गया ना भाई इसमें तो थीटा खत्म ही हो गया All right? तो वैसे देखने में डी वन का मैग्नीट्यूड बहुत मुश्किल लग रहा था बट जब सॉल्व कर रहे हो तो थीटा खत्म हो गया तो टू प्लस सिक्स कितना हो गया रूट एट एंड वॉट इज रूट एट रूट एट इज टू रूट टू इसका आपके पास मैग्नीट्यूड डी वन तो टू रूट टू आ गया ठीक है और मैग्नीट्यूड ऑफ डी टू तो भाई साफ ही दिख रहा है इट इज अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ डी टू इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वो एज इट इज लिखना पड़ेगा ठीक है सो लेट्स नाउ प्लग इन इसकी जगह तो मैंने क्या लिखा टू रूट टू और उसकी जगह मैंने क्या लिखा रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी ठीक डन ओके सो दिस इज वॉट इज योर कॉज अल्फा बट ना द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम इज वी डो नॉट नो ए बी सी एन थीटा राइट सो उसके लिए उसने क्या बोला है तो उसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेक टर्म्स है उनको साथ में ले लेते हैं तो देखो यहाँ थीटा आएगा एक तो a कॉस् थीटा और एक यहां आएगा cos थीटा इनको साथ ले लेते हैं तो कॉस् थीटा के साथ कौन आ गया कॉस् थीटा के साथ आ गया ए प्लस ठीक है फिर साइन थीटा के साथ कौन आ गया साइन थीटा, थीटा के साथ कौन आ गया रूट टू आ गया साइन थीटा के साथ ये बात ठीक है है इसके अलावा बच रहा एक तो रूट थ्री है और एक माइनस रूट थ्री सी तो रूट थ्री कॉमन ले, ले लेता हूं तो बचता है, A C है। तो कोई चेंज है नहीं। तो इस तरीके से लिख लिया अब वो मेरे से बोल रहा था ना भाई इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए मतलब इसमें टर्म्स आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए वो नहीं आने चाहिए तभी तो थीटा के इंडिपेंडेंट होगा जब कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स नहीं आएंगे क्योंकि बाकी तो कहीं पे भी थीटा नहीं है सिर्फ इन दोनों टर्म्स में थीटा बचा हुआ है तो ये दोनों टर्म्स क्या होने चाहिए जीरो होने होने चाहिए तो ये टर्म्स होने ही नहीं चाहिए ये टर्म्स अगर होंगे तो थीटा आएगा आर यू गेटिंग दिस ठीक है सो डेफिनेटली वोट आई एल सी नाउ इज की कॉस थीटा का जो कोएफिशिएंट है ये ये जीरो होना चाहिए साइन थीटा का जो कोएफिशिएंट है ये जीरो होना चाहिए दैट्स इट वैसे भी याद करो जैसे हमें ये बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब थीटा पे डिपेंड नहीं करता मतलब थीटा में आइडेंटिटी होना चाहिए तो थीटा का जो को है वो खत्म होना चाहिए तो इसलिए कॉस थीटा का एफिशियट भी खत्म होगा और साइन थीटा का एफिशियंट भी खत्म हो जाएगा तभी तो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा बस ये करके देख लेते हैं सो दिस इज हाउ इट इज ही इज मेकिंग यू अराइव एट दी सोल्यूशन सो लेट सी द फर्स्ट कंडीशन इज ए प्लस सी इक्वल टू जीरो विच विल गिव यू ऑफकोर्स दैट सी इक्वल टू माइनस ए ठीक है

तो ये जो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आ रहा है ना उसको हम टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं सो नाउ इफ आई जस्ट गो बैक टू आई गेट कॉस अल्फाइक् टू ये क्या हो गया जीरो सो वॉट इज लेफ्ट्री ए माइनस सी बट वॉट इज सी सी इज माइनस ए सो इट बिकमस ए सी इज माइनस ए सो इट बिकम्स ए प्लस ए राइट नीचे देखो क्या आया भाई टू रूट टू और ये क्या बन गया तुम्हारा ये टू ए स्क्वायर बन गया मतलब रूट ऑफ टू ए स्क्वायर हाँ तो अब तो समझ में आ गई बात ठीक है अब देखो ऊपर कितना हो गया ऊपर हो गया टू ए रूट थ्री ठीक है और नीचे कितना हो गया रूट टू इंटू रूट टू टू हो गया तो टू इंटू टू इंटू ए क्लियर है ए से ए कैंसल टू से टू कैंसल कितना आया भाई आ गया. Cos alpha कितना आया रूट थ्री बाय टू अब हो गया ना थीटा के इंडिपेंडेंट तो अब तो तुम्हें एल्फा मिल गया इट इज थर्टी डिग्री थर्टी डिग्रीज आंसर कॉस एल्फा रूट थ्री बाय टू है मतलब एल्फा कितना है बाय सिक्स आंसर लगाऊंगा बाय सिक्स ठीक है ओके सो एंड अभी भी अगर तुमने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ठीक है और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साथ जुड़ेंगे तो और मजा आएगा ठीक है एंड इट विल आल्सो इंक्रीज कंपटीशन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया लिंस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखें वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो ऑल राइट चलो सी यू गाइज इन दस वीडियो